इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। कर रहे हैं और सुनने में तो ये भी आया कि फ्रांस के कुछ जो डिप्लोमेट्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ गए थे, गो के पाकिस्तान की सरकार की सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा थी और हालात बड़े मेंटेन थे, लेकिन जो वेस्टर्न होते हैं उनका सिक्योरिटी के पैरामीटर्स और होते हैं और हमारे पास पैरामीटर और होते हैं। खैर, वो तो एक और चीज हुई, लेकिन अभी एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए इमर्ज हो गया है और जिसका इमरान खान साहब अपनी स्पीच में भी जो उन्होंने कौम से की कि उन्होंने कहा जी देखें, ये तहरीके तालिबान, तहरीके लबैक पाकिस्तान वाले जो हैं, ये जो कर रहे हैं इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। और वही हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा जी कि हमने जो पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस दिया हुआ है, इस स्टेटस को हम रिव्यू करेंगे। और अब ये देखें, इस स्टेटस की वजह से पाकिस्तान तकरीबन पहले कुछ 7-7.5 बिलियन यूरो की एक्सपोर्ट भेजता था। अगर ये वो स्टेटस रिव्यू करते हैं और वो पॉक्स एंड प्रिविलेजेस और वो जो टैरिफ्स उन्होंने हमें रिडक्शन की हुई थी, हमारे हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगते थे, वो खत्म हो जाएंगे, तो हम तो वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कम्पीट। और ये याद रखिएगा कि WTO और यूरोपियन यूनियन जो थी, हमने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था अलॉन्ग विद द यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स, क्योंकि भारत और बांग्लादेश जो था वो इस खित्ते से थे, वो कह रहे थे कि क्यों पाकिस्तान को आप ये फेवरेबल स्टेटस दे रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने ये कहा कि पाकिस्तान क्योंकि दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व रहा है, तो उसकी इकोनॉमी को फ्लरिश करना और बूस्ट करने के लिए हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो अभी पता ये चला कि जो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसमें 681 वोट्स इसके हक में आए कि हमें जो है और 6 जो थे वो इसके अगेंस्ट आए। इट मींस कि बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन यूनियन के अंदर पाकिस्तान के बारे में एक एंजाइटी जो है वो है, वो इसलिए कि वो कहते हैं जी ये तो मॉब जस्टिस करते हैं, ये तो क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को मार देते हैं वहां पर। ये दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट जो के यूरोपियन यूनियन कह रही है। और आप उसको देखें कि जो वो कहते हैं जी के जो पाकिस्तान को देखना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं स्टेटस के लिए इन द लाइट ऑफ द करंट इवेंट्स। मैं देख रहा था कि जी EU पार्लियामेंट जो है वो अपनी ट्रेड पॉलिसी को यूज करेगी टू प्रेशराइज पाकिस्तान और रिव्यू करेगी पाकिस्तान एलिजिबिलिटी फॉर दिस। और वो कहते हैं कि जी ये क्या बात हुई, आप ईसाइयों को जो है वो मारते हैं, ये मैं नहीं कह रहा है, ये यूरोपियन यूनियन कह रही है। अभी हमें देखना ये है कि अभी हमारे पास क्या ऑप्शंस रह गई हैं। और पाकिस्तान तो ये कह रहा है जनाब कि हम तो ये तो कोई मसला ही नहीं हुआ। अभी देखिए, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान को अपनी डायरेक्शन तय करनी है। पाकिस्तान जितना पोलराइज्ड है इस वक्त, क्या ये डायरेक्शन तय कर सकता है? पाकिस्तान तय नहीं कर सकता। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्सपर्सन कहते हैं कि जी पाकिस्तान का जो डिस्कोर्स है यूरोपियन जो पार्लियामेंट में, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और पर्टिकुलरली जो ब्लैस्फेमी लॉज के ऊपर इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए, हमारे मुल्क में जो ब्लैस्फेमी लॉज बने हुए हैं उसका मिसयूज होता है। इवन के मैं बहुत सारी ऐसे मिसालें कोट कर सकता हूं जहां पे एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के ऊपर FIR दर्ज करवा दी, गैर जरूरी जो है वो लोगों को फंसा दिया गया और उन बेचारों ने फिर लोगों ने साल साल अपनी जिंदगियां जेलों में गुजारी। लेकिन क्या कोई पाकिस्तानी पार्लियामेंट या पाकिस्तानी पार्टी ये कर सकती है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जब तक आप यूनाइटेड फ्रंट नहीं दिखाएंगे आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है जी कि ये जो हमारे जुडिशियल सिस्टम और डोमेस्टिक लॉज के ऊपर ये जो कमेंट्री कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन, ये रिग्रेटेबल है। तो जब पाकिस्तान का सदर फ्रांस के कानून के बारे में कमेंट्री करता है तो उनको अच्छा लगता है क्या? ये मैंने थोड़े दिन पहले अपने वीडियो में कहा था कि आप आज ये बातें कर रहे हैं, कल को उन्होंने आपका ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर आपको पकड़ लिया तो क्या करेंगे? और मैं आपको ये बता दूं, इससे बढ़ के चीजें होने वाली हैं। अगर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस देती भी है तो ये कंडीशनल होगा इस दफा। अगर देती भी है, हो सकता है ये टेम्परेरी विड्रॉ कर ले, और टेम्परेरी विड्रॉ करेंगे और वो 7 चेकलिस्ट हमें दे देंगे।
चेकलिस्ट देंगे जी, सबसे पहले तो वो कहेंगे जी फ्रीडम ऑफ मीडिया में इंश्योर करें, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से बड़ी आवाज उठी है सहाफियों के साथ, और ये जो ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी है इन चीजों के ऊपर कि जी आपके मुल्क में जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है वो प्रॉपर नहीं है, तो आप ये अपना चीजें पूरी करें मीडिया के हवाले से देखें। हम कहते हैं जी कि नहीं, हमारी वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और हम इंसानी हकूक की बड़ा ख्याल करते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है, हमें अपनी माइनॉरिटीज पे बड़ा फख्र है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान में मुरतब होती हैं वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। वो पाकिस्तान की हुकूमत की जो बनी रिपोर्ट्स हैं उन पर तो वो ट्रस्ट नहीं करते, वो तो उन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रस्ट करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के बात करते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामोफोबिया और पॉपुलिज्म की बातें शुरू कर दी हैं, अभी वो जनाब कह रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को हॉलोकॉस्ट जिस तरह आप करते हैं इसी तरह इस्लामोफोबिया को डील करें। वो कहते हैं हम आपको बता लेते हैं कि ये हॉलोकॉस्ट क्या है और इस्लामोफोबिया क्या है। ये इमरान खान साहब ने गैर जरूरी जंग छेड़ दी है जनाब, बिल्कुल गैर जरूरी जंग छेड़ दी है, पर्टिकुलरली आप उसको अगर ले लें जो इस्लामोफोबिया की है। पाकिस्तान का क्या काम है इस्लामोफोबिया से? हमारा काम है अपनी इकोनॉमी ठीक करना, हमें अपना रास्ता ठीक करना है, हमें अपने मुल्क में तरक्की करनी है, हमें अपने नौजवान को जॉब देनी है, बिजनेस देना है। हमने सीपैक लेके आए भाई, चलो कारोबार तो होगा, बिजनेस होगा। चाइनीज का तो कोई मसला नहीं है, आपके मुल्क में ब्लास्फेमी क्या है, आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स क्या है, आपके मुल्क में मीडिया फ्रीडम, ये चाइनीज का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये प्रॉब्लम तो है यूरोप का। हमारी इकोनॉमी तो यूरोप के साथ कनेक्ट है, हमारा जवान तो यूरोप के साथ कनेक्ट है, हमें तो सारा पैसा वहां से आता है, तो हमें चाइना से तो वो चीजें नहीं आती जो जो जिस स्ट्रक्चर के तहत वेस्ट जो वैल्यूज हमें देता है, हमारी डेमोक्रेसी उसी को मानती है। अगर हम डेमोक्रेसी भी हैं, सिविल सोसाइटी भी है, फ्रीडम ऑफ मीडिया भी है, ये सारी चीजें हैं, तो देन वेस्ट को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी दलदल में घुस रहा है। हमने एक तरफ अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए सारा जो है वो काम किया था, मेहनत की थी, और दूसरा हमने ब्लास्फेमी लॉज जो हमारे मुल्क के अंदर हैं, जिसको मैंने पहले कहा था कि यूरोप पकड़ेगा इसको, यूरोप इसको पिक करेगा और कहेगा कि भाई आप अपने ब्लास्फेमी लॉज ठीक करें, उनको इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। उसकी वजह यह है तो गाइज, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया पर यहाँ पर चर्चा हो रही थी, यूरोपियन यूनियन ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक फैसला लिया है उस पर बात हो रही थी। बेसिकली आप जानते होंगे पाकिस्तान में कुछ दिन पहले तहरीक लब्बैक नाम की एक पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट में ये बेसिकली फ्रांस के अगेंस्ट था, फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उनको पाकिस्तान से निकलवाने के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जो प्रोटेस्टर थे उनकी मांग मानते हुए बोला कि हम बहुत जल्दी पार्लियामेंट में एक बिल लाएंगे जो बिल फ्रांस के प्रोटेस्टर को निकालने के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी से पास होगा। तो हुआ ऐसा कुछ, फ्रांस इस सब चीज़ों को देख रहा था, फ्रांस ने डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ सोचा होगा और आखिरी में यही निकला। आप जानते हैं फ्रांस यूरोपियन यूनियन का सबसे मजबूत देश है, और फ्रांस मतलब अगर निकला तो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश निकल जाएंगे। तो यही डर है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को था, और ऐसा ही कुछ अब होता हुआ दिख रहा है। अभी तो फ्रांस का सफीर निकला भी नहीं है और यूरोपियन यूनियन ने एक्शन लेने चालू कर दिए हैं। इस एक्शन के बाद होगा क्या? इस एक्शन के बाद पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत ट्रेड होती है 50-60 जितनी भी कंट्री है यूरोपियन यूनियन की, जितनी भी कंट्री हैं उसके साथ, वो सब हो जाएंगी ख़त्म, और पाकिस्तान पर कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन भी लगेंगे, पाकिस्तान के जो लोग यूरोप जाते हैं उन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। तो इसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। अब देखते हैं आगे होता है कि अगर फ्रांस के एम्बेसडर को निकाला गया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़े कदम आने वाले समय में देखे जाएंगे। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें।